शहर में बजरंग सेना द्वारा हिंदू समाज को संगठित करने के लिए अयोध्या में सेवा कार्य करने के उद्देश्य से भगवान परशुराम की जन्म स्थली जानापाव में एक आकर्षित शिवलिंग को लेकर नर्मदेश्वर बजरंग सेना 1100 किलोमीटर की यात्रा तय कर अयोध्या पहुंचेगी। इस यात्रा को श्री राम रथ यात्रा का नाम दिया गया है। यह यात्रा अयोध्या पहुंचकर शिवलिंग स्थापित करेगी। इस यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल होंगे और यह भक्तगण शिवलिंग स्थापित कर चल रहे राम मंदिर के कार्य में भी सेवा भाव से कार्य करके अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। ये जानापाव से एक अद्भुत शिवलिंग लेकर बजरंग सेना की टीम निकल रही है अयोध्या के लिए, जो 1100 किलोमीटर की लगभग यात्रा है। ये श्री राम विजय रथ यात्रा के नाम से नाम इसको दिया गया है और ये धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भारत देश में जो आप देख रहे हैं लगातार हमारे हिंदू भाइयों की हत्याएं हो रही हैं। अभी हरियाणा में एक बच्ची की हत्या हुई, दिल्ली में भी एक भाई की हत्या हुई थी। अब देश का माहौल जो आप देख रहे हैं लगातार बिगड़ता जा रहा है। अभी हमने देखा है कि फ्रांस में जो घटना हुई उसका विरोध भारत देश में भी कुछ वर्ग विशेष के लोग कर रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को जागना बहुत आवश्यक है और हिंदुओं को जगाने के लिए ही ये धर्म यात्रा निकाली जा रही है और प्रभु श्री राम जी और भगवान शिव जी का महामिलन अयोध्या में होगा और बजरंग सेना की टीम यहाँ जानापाव से 4 तारीख को निकलेगी और रात्रि में इंदौर में विश्राम होगा और 5 तारीख को इंदौर से निकलकर उज्जैन, देवास, भोपाल होते हुए छतरपुर और महोबा, कानपुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या धाम हम लोग सुबह 7 बजे पहुँचे 7 तारीख को सुबह 7 बजे तक पहुँचेंगे। मैं चाहूँगा देश के जो भी हिंदू भाई हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना अपना योगदान जरूर दें। जय श्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।